ये जिंदगी है साहब कई रंग दिखाएगी, ये जिंदगी है साहब कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। मेरा नाम है आर्यन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक 12वीं क्लास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने अपनी जेब से 200 रुपए का नोट निकाला और उसे हाथ में लेकर बच्चों से पूछा, यह क्या है? सभी बच्चों ने जवाब दिया, यह 200 रुपए का नोट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कौन बच्चा इसे लेना चाहता है, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। अगले ही पल उन्होंने उस नोट की मुट्ठी में बंद किया और ढंग से निचोड़ दिया। उसके बाद बच्चों से पूछा, इसे अब कौन लेना चाहता है? अभी भी सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। अगले ही पल उन्होंने उस नोट को फर्श पर फेंका और अपने जूते से रगड़ दिया। उसके बाद नोट उठाकर पूछा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहता है? उसके बाद भी सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चों, मैंने आज तुम्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। ये 200 रुपए का नोट है, जब मैंने इसे निचोड़ा हाथ से तब भी इसकी कीमत 200 रुपए ही रही और आप इसे लेना चाहते थे। जब मैंने इसे जमीन पर फेंका और अपने जूते से रगड़ा तो ये नोट गंदा हो गया, उसके बाद भी इसकी कीमत 200 रुपए ही रही, तब भी आप इसे लेना चाहते थे। तो इसी तरह आप भी अपने आप में कीमती हैं। जिंदगी की परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं, चाहे जितनी मर्जी आए, उनकी धूल आपके सर पर जितनी मर्जी चढ़ जाए, आपको अपनी काबिलियत से उसे सॉल्व करना है, ना कि उससे घबराना है। आपको अपने मन में हमेशा ये सोचना है, मैं बेहतर था, मैं बेहतर हूं और मैं बेहतर रहूंगा, और हमेशा उस समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, तभी आप अपनी लाइफ अच्छे ढंग से जी सकें। गाइस, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जिन लोगों को इस कहानी की जरूरत होगी उसे शेयर करना। इस कहानी से जो भी आपको शिक्षा मिली है उसे आप कमेंट में बताना, और कमेंट में इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।